हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज जो मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने हूँ, मुझे कुछ बातें करनी है आप लोगों से, तो मैंने कहा मैं आज वीडियो बना लेती हूँ और सामने फेस टू फेस बात कर लेते हैं। और पूरी वीडियो देखें, देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और लाइक कर लें ताकि और अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिले। तो आज का जो टॉपिक है, मैं वैसे तो मैं टॉपिक्स पे वीडियो बनाती नहीं हूँ, मैं व्लॉग बनाती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ घूमने की, आउटिंग की और कुछ ऐसी। लेकिन आज मैंने जब यूट्यूब स्क्रॉल किया तो उस पर मुझे कुछ बातें नज़र आई जो कि मुझे था कि चलो मैं भी इस पर बात कर लेती हूँ इस चीज़ पर, क्योंकि मुझे काफ़ी बुरा लगा, काफ़ी अफसोस हुआ वो चीज़ देख के, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे सबसे पहले तो वो कोई एक कपल है, शोएब उनकी वाइफ हैं। पहले तो उन्होंने बड़ा मैं ये जो खैर मैं आपको ये बताती चलूँ मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो मैं सितारा यासीन के टॉपिक पे बात कर रही हूँ, जो कौसर का बेबी एक्सपायर हो गया था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसके ऊपर मैं बात करूँगी। लेकिन वो जो ट्रॉलिंग करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, मैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगी कि वो चाहते क्या हैं, वो समझते क्या हैं खुद को। वो किसी के गम में शरीक होते हैं तो खुद के व्यूज़ बढ़ाने के लिए और ख़ुद को आगे प्रमोट करने के लिए वो किसी का सहारा ले रहे हैं, किसी बच्चे की मौत का सहारा ले रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि इसकी जो ज़िम्मेदारी है वो सितारा यासीन है, क्या हम लोग सब अंधे हैं, हम लोग नहीं देख रहे कौन ज़िम्मेदार है या कौन नहीं है। जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, जो अल्लाह ताला की तरफ से हुआ वो वैसे ही हुआ, उस पर हम किसी को कैसे ब्लेम कर सकते हैं। वो हॉस्पिटल में साथ थी, वो कुछ पढ़ रही थी, तो उसका मतलब है उसने कुछ पढ़ा है बच्चे के ऊपर। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसे बोलते हुए? और एक औरत होकर दूसरी औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, डूब मरो। मैं तो ये बोलूँगी कि डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। खैर मुझे बड़ा बहुत ही अफसोस हुआ, ऐसा लग रहा था कि बस हमारी अपनी ये कहानी है। बहुत ही दुख हुआ। कौसर को अल्लाह ताला सब्र दे और उनके घर वालों को सब्र दे, अल्लाह ताला उसकी जल्दी से गोद भरे और बच्चा दे। और सितारा आपने ऐसे ही स्ट्रांग रहना है, ऐसे ही हेटर्स को जवाब देना है, हम सब आप लोगों के साथ हैं। अभी मैंने आज पायल का भी ब्लॉग देखा था, पायल ने भी सितारा की जो है बात की थी, और सितारा से सच्चाई जो है ना किसी से छुपती नहीं है, और सच्चा इंसान हमेशा नज़र आ जाता है कि वो सच्चा है कैसा नहीं है। तो इसी वजह से आप किसी की बातों पे हर्ट नहीं हो, आप आगे बढ़ें, आप जो है अच्छे तरीके से चल रही हैं, जैसी हैं वैसे ही रहें, किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। और मैं वैसे वीडियोस इस लिहाज की नहीं बनाती, लेकिन मैंने कहा चलो मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस बनाती हूँ तो कुछ अच्छी वीडियो, कुछ किसी को सपोर्ट करने की वीडियो जो है वो भी बनानी चाहिए, ताकि पॉजिटिविटी जो है ना वो आगे बढ़े, ताकि पॉजिटिव जो बातें हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है लोगों की, वो हमारे सामने आए कि हम लोग क्या चाहते हैं। मैं ये चाहती हूँ जितने भी लोग यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं वो सितारा यासीन का साथ दें, उनके लिए वीडियो बनाएं पॉजिटिव वे में, और ये जो हेटर्स हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है ऐसा ही करेंगे और पॉजिटिव कॉमेंट करेंगे उन लोगों को भी और उनका साथ देंगे इस सिचुएशन में। तो मैं यही, बस मेरा यही पैगाम था, यही मैसेज था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे अभी ऑनलाइन आई थी और मैंने ये वीडियो बनाई। तो आप लोग इस वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ी सी मैंने क्लिप बनाया है 3-4 मिनट का,